Hey guys, welcome back to my channel. तो जैसे कि आप सबको पता चल चुका है, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी, नॉट द रेस्टोरेंट स्टाइल पर देसी ढाबा स्टाइल दाल मखनी, जो कि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाली दाल मखनी होगी। और हमें इसके लिए किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रश एंड बाय दैट मसाला, मसाले भूनना और पीसना, वो सब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपके पास टमाटर हैं, मक्खन है और उड़द की दाल है, तो चलिए बनाते हैं साथ में दाल मखनी। तो दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए होल उड़द, तो जिसको मैंने एक कप दाल को मैंने छः से आठ घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। सोक करने के बाद हमने इसको अच्छे से रब करके रिंस कर लिया है और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे केवल और केवल नमक के साथ। यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और बटर लिया है। ऑयल मैंने इसलिए लिया है ताकि बटर जले ना, और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। और हाँ, बटर मैंने बहुत सारा लिया है, तो आप भी कंजूसी ना करें, बटर बहुत सारा लें। तो मैंने यहाँ पर मैंने सॉटे कर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद मैंने कश्मीरी रेड चिली डाली है 2 टीस्पून, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं ब्राइट रेड कलर देने के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में मिलती है ना ढाबे पे, एकदम लाल लाल वैसी वाले बनाएंगे हम। तो हमने इसमें ऐड कर दी है 2 टीस्पून रेड कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और यहाँ मैंने डाल दिया है 1 कप फ्रेश टोमेटो प्यूरे। 1 कप से ज़्यादा ही है। और हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि बटर या जो ऑयल है वो छोड़ ना दे। उसके बाद मैंने जितना मैंने टमाटो प्यूरे डाला था उतना ही मैंने बॉइल्ड दाल डाली है। जो टमाटो प्यूरे है ये हमारी दाल को एक ब्राइट रेड कलर देगा, और हम इसको टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि एक दूसरे के फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से रम जाएं। और हमने पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट कर ली है, हमें बहुत पतली नहीं बनाना है इसलिए थोड़ा पानी डालें। अब यहाँ पे मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया है और चॉप्ड गार्लिक ऐड कर लिया है, बहुत सारा चॉप्ड गार्लिक। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा गार्लिक, तब हम इसे इसमें डाल देंगे तड़के को मेन दाल में। और देखिए हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है ना, बिल्कुल परफेक्ट। हमें इससे ज़्यादा ना तो पानी चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ी चाहिए। इसके बाद हम और भी बटर ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कितना बटर ऐड कीजिए। जितना बटर ऐड करेंगे उतना टेस्ट बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है क्रश्ड कसूरी मेथी पाउडर, मैंने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लास्टली मैंने गैस ऑफ की और मैंने इसमें कुकिंग क्रीम डाल दी है, इसमें भी कंजूसी ना करें, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए दिस इज़ द लास्ट स्टेज, अब हमारी ये रेडी हो गई, अब हम इसे सर्विंग प्लेट में डालेंगे और हमारी दाल मखनी रेडी है ढाबा स्टाइल। तो चलिए नान वान बनाइए और खाइए दाल मखनी के साथ, मैं तो बनाने जाती हूँ, आप इन्जॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।